तो आज आप लोग कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक कार्यात्मक शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। अच्छा, ये तो हो गई कोशिका की परिभाषा। अब कभी कभी पूछ देता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? कोशिका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अब हिंदी में इंग्लिश में है एस है सी वाई टी ओ एल ओ जी साइटोलॉजी। तो कोशिका अध्ययन आ जाए तो साइटोलॉजी लिख दो। क्या होती है? तो आप शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अच्छा, एक बात यह है कि जैसे कोशिका जब छोटी है, शरीर हमारा बनता कैसे है कि जैसे छोटी छोटी कई कोशिकाओं के समूह से बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक पढ़े हो? ऊतक से बनते हैं अंगक। अंगक अंगक से बनते हैं अंग तंत्र। अंग और अंग तंत्र से बनते हैं अंग और फिर हमारा मानव शरीर। ये स्टेप होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि इनमें से शरीर बनने का सही सही क्रम कौन सा है। तो उसमें जैसे कोशिका लिख देगा ये वाला क्रम अगर है तो आप ये वाला क्रम टिक कीजिए सही। अगर जैसे इसमें से ये वाला गायब है ये वाला और ये क्रम है तो ये भी सही है। अगर गायब भी है सब में गायब है, अगर अंग तंत्र सब में गायब है या कोई भी एक चीज गायब है सब में गायब है और बाकी उसका सीरियल बिल्कुल सही है तो आप उसी को टिक करेंगे। समझ रहे हो? तो अब आइएगा, हुआ यूं कि कोशिका सवाल ये दूसरा आता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज तुम्हें पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसमें? कार्क में। कार्क हमने बताया था जो पहले बोतल ले चलती थी तो ढक्कन नहीं लगती थी लिड, तो उसमें वो लकड़ी की होती थी तो उसी को ठोंक देते थे। कार्क में की थी तो अर्थात क्या हुआ, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। मरी तो होगी लकड़ी भाई, लकड़ी है तो मरी है। तो मृत कोशिका की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट जो थे ये थे कहाँ के? ये ब्रिटेन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने, अब ये क्वेश्चन हो गया कब खोज की, 1665 में खोज की गई रॉबर्ट हुक ने की। वनस्पति वैज्ञानिक है ये, कहाँ के? ब्रिटेन के। अब इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा कि इसकी जो आकृति है, कोशिका की जो आकृति है वो कैसी है। वो आकृति है मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी के छत्ते की भांत। मधुमक्खी के छत्ते की भांत। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तुम लोग जान जाओगे। और इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की भांति देखा, लेकिन सवाल ये आता है कोशिका का नाम कोशिका क्यों पड़ा? कोशिका का नाम, ये जो कोशिका नाम इसका पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि कोशिका जो है इंग्लिश में जो सेल कहा जाता है इसको, सेल को ही कहा जाता है क्या? कोठरी या कोसा। कोठरी या कोसा। कोठरी या कोसा। तो जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्तों की तरह ऐसे ऐसे खूब बनी हुई थी, तो ये बीच बीच में जो कोष रह जाते हैं ये, तभी इसका नाम इसने सेल रख लिया कोठरी या कोसा के नाम पे, है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि कोशिका का नाम कोशिका क्यों है, मतलब सेल क्यों है, तो सेल एक अंग्रेजी वर्ड है जिसके मीन्स होता है कोठरी या कोसा। और कोठरी या कोसा मतलब छोटे छोटे कोष नहीं होते, कहीं कहीं कौन कोष रहे हो, तो कोष दिखाई दिए सूक्ष्मदर्शी से इसने देखा, इसने रॉबर्ट हुक ने, तब इसका नाम जो है क्या रख दिया गया, सेल रख दिया गया। और सेल मीन्स होता है कोशिका। समझ में आ रहा है? अब
कभी कभी पूछ देता है कि जो रॉबर्ट हुक है इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। ये पुस्तक है किसकी? रॉबर्ट हुक की। इसी पुस्तक में उन्होंने सब कुछ बताया है किसके बारे में? कोशिका के बारे में। अब सवाल अगला आता है कि जैसे मृत कोशिका की खोज तो इन्होंने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 में 9 साल और मिलाओ, 1665 में 9 साल और मिलाओ तो कितने हो गए? 1674 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी? जीवित कोशिका की खोज की। अगर तुमसे कोई पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब क्या बताओगे? लिवेन हॉक ने की। और लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका कहाँ खोजी? तो दांतों की खुरचन में, सूक्ष्म जीवों में, दांतों की खुरचन। जैसे इसे दांत किया तो इसमें वो आ गया, और फिर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसने कहा इसमें तो जीव है, तो जीव ये कैसे बने? फिर धीरे धीरे जब अध्ययन किया, ज्यादा प्रैक्टिकली रूप से किया, तो उसमें सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों में कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिवेन हॉक ने, दांतों की खुरचन से सूक्ष्म जीवों में, खुरचन से सूक्ष्म जीवों में। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी कोशिका। अब हम कुछ कोशिका के भाग बताएंगे बारी बारी से, कितने भाग होते हैं, और कोशिका के बारे में बहुत डिटेल में इसको दो पार्ट में लाएंगे। एक पार्ट में आज जितना हो पाएगा उतना हम आपको समझाएंगे, जो बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले कोशिका के बारे में जो खोजें होती हैं, क्या होता है? खोजे होती हैं। तो कोशिका होती कैसे है? जैसे जंतु कोशिका जो होती जीवों की, वो ऐसे वर्गाकार रूप में होती है ऐसे, ठीक है। बीच में इसमें एक होता है केंद्रक, ठीक है, इसमें द्रव्य भरा रहता है, इसे कहते हैं क्या? कोशिका द्रव्य। इसमें भी भरा रहता है द्रव्य जैसा, पानी जैसा, इसको कहते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य। और एक भरा होता है जो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में भरा रहता है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ये जो है, ये झिल्ली जैसी आसपास ये लगी रहती, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये केंद्रक के बाहर भी लगी रहती है झिल्ली जैसी, उसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। और यहाँ पे जैसे कुछ ये अंग है कोशिका का, ये अंग है जिसे कहते हैं क्या? राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे कम से कम बहुत सारे इसके अंग हैं, बारी बारी से हम पढ़ाएंगे। हम सिर्फ ये बता रहे थे कोशिका ऐसी होती है, क्या उसकी पोजीशन होती है। तो कोशिका की तो खोज उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कर ली, लेकिन जो अदर इसके पार्ट थे, भाग थे, उसकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की। अब जैसे हम आपको लेकर चल रहे हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं वो तो रॉबर्ट हुक थे, एक रॉबर्ट ब्राउन हुए हैं। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन हुए। अब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। इन्होंने बताया कि कोशिका होती है, बात सही है, लेकिन कोशिका के साथ साथ कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी होता है, समझ रहे हो? अब फिर 1831 आया, 1831 के बाद में फिर आया 1839। क्या आया? 1839। 1839 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डू जार्डिन ने, इसका जो नाम था डू जार्डिन जो था, इन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, कोशिका का जो एक अंग है जिसका नाम है जीव द्रव्य, इसका नाम है जीव द्रव्य, इन्होंने नामकरण किया। किसका? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? डू जार्डिन ने।
और 1839 में जीव द्रव्य को खोजा किसने? पुरकिंजे ने खोजा, पुरकिंजे ने खोजा। तो खोज की किसने 1839 में? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य का जो नामकरण किया वो किसने किया? डुजार्डिन ने। हाँ, अब कभी कभी पूछ देगा कि ये होता क्या है। ये जो है एक दानेदार गोलाकार गोलाकार और सजीव पदार्थों में पाई जाने वाला सजीव दानेदार गोलाकार सजीव पदार्थों में पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ कोशिका में जो दानेदार होता है, गोल होता है, सजीव पदार्थों में इसको जो है क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो 1831 में केंद्रक की खोज हुई, 1839 में किसकी खोज हुई? जीव द्रव्य की खोज हुई। खोज की पुरकिंजे ने, नामकरण किया टू डार्विन ने। अब आया क्या 1838 और 1839 में ही एक और काम हुआ। 1838 व 1839 में ही कोशिका सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया? तुम लोग जानते हो कोशिका सिद्धांत क्या होता है? मतलब कोशिका के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बताई गई उसी के अकॉर्डिंग। अब ये सिद्धांत दिया किसने? तो एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन, स्लाइडेन, और एक वैज्ञानिक थे स्वान। क्या थे? स्वान, स्लाइडेन और स्वान, 1838 में। अब स्लाइडेन जो थे वो थे वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। और ये जो थे ये जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। अब ये दोनों जो थे ये थे कहाँ के? ब्रिटेन के ही निवासी थे। कहाँ के? ब्रिटेन के दोनों निवासी थे। तो इन्होंने क्या बताया? कोशिका सिद्धांत बताया। भूलोगे तो नहीं? चलो थोड़ा एक मिनट रुको, इंक डाल, हो गया। अच्छा, स्लाइडेन जो वनस्पति वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि पादपों का जो शरीर है, पादपों का जो शरीर है वो सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। ये भाई वनस्पति वैज्ञानिक है तो इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया कि पादपों का जो वो शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। और जंतु है, इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर जो है किससे बना होता है? जंतु कोशिकाओं से, सूक्ष्म छोटी छोटी। तो ये हो गया कोशिका सिद्धांत। अच्छा, ये 1838-1839 क्यों दिया गया? 38 में स्लाइडेन ने, वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पादपों की जो शरीर बना होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। और 39 में किसने बताया? स्वान ने बताया। और फिर 39 के बाद आया 1855। क्या आया? 1855। 1855 में क्या खोज हुई? 1855 में हुआ ये, एक बिरजो नाम का क्या था? बिरजो नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था? बिरजो नाम का वैज्ञानिक था। इसने क्या खोजा? बिरजो नाम का वैज्ञानिक था, इसने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये किसने बताया? इसने कहा कोशिका से कोशिका ही बनती है, मतलब स्वतः नहीं बनती है, जब कभी बनेगी कोशिका से ही नई कोशिका बनेगी। तो ये किसने बताया? 1855 में वीरचो ने बताया। अगला है 1855 के बाद में 1861 आया, 55 में 6, 1861
61 आया। 1861 में क्या हुआ, 1861 में मैक्स सूल्ज ने, मैक्स सूल्ज ने बताया, क्या बताया मैक्स सूल्ज ने, इसने कोशिका जीव द्रव्य की खोज की, कोशिका प्रोटोप्लाज्म, इसने काय की खोज की, कोशिका प्रोटोप्लाज्म की खोज की। अब खोज तो पहले ही जीव द्रव्य की हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो है प्रोटोप्लाज्म जो है ये पिंड का बना होता है, पिंड जैसी आकृति होती है, ये इसमें ज्यादा आता है कि जीव द्रव्य की पिंडा आकृति किसने बताई, पिंडा आकृति किसने बताई, ये 1861 में इन्होंने किया। और इन्होंने मत दिया का है का प्रोटो प्रोटोप्लाज्म मत भी दिया किसने, मैक्स सूल्ज ने 1861 में। फिर क्या आया, फिर आया 1884 आया। 1884 में क्या हुआ, 1884 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। इन्होंने बताया कि जो गुण होते हैं आनुवांशिक गुण है, मतलब ये तुम्हारे पापा के लक्षण तुम में आना, जो आनुवांशिक गुण है वो केंद्रक के द्वारा जाते हैं, केंद्रक के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि गुणसूत्र किसमें होता है कोशिका के अंग में, तो केंद्रक में ही होता है, केंद्रक के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। केंद्रक में ही जी एक होते हैं ये गुणसूत्र, और गुणसूत्र जीन वो एक चीज है, गुणसूत्र को ही इंग्लिश में जीन कहते हैं, तो है ना, डीएनए है ना, तो उसी के माध्यम से जाता, सबसे छोटी इकाई जीन है, सबसे बड़ी इकाई है डीएनए, किसकी, नहीं आनुवंशिकी। तो 1884 के बाद में क्या आया, 1898 आया, क्या आया, 1898 आया, बहुत खोजें हो रही हैं। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने, किसने, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की, गोल्जी काय की खोज की, एक अंग होता है बताएंगे जब आगे, गोल्जी काय की खोज की किसने, कैमिलो गोल्जी, ये तो याद रहोगे जैसा नाम वैज्ञानिक का, और वैसे ही उसने उसके भाग को खोजा, गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिली गोल्जी ने। अब केंद्रक की खोज की थी ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जो है 1774 डेट आई है, तो ये केंद्रक के जो अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रक केंद्रिका की खोज जो है, केंद्रक केंद्रिका की खोज की है फेलिक फोंटाना ने, किसने, फेलिक फोंटाना, फेलिक फोंटाना, किस, केंद्रक केंद्रिका की खोज की फेलिक फोंटाना ने। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, है ना। अब 1880, 1774 के बाद आया 1880, 1880 में एक कार्य और हुआ, क्या हुआ 1880 में, फ्लेमिंग ने क्रोमोटिन की खोज की, क्रोमोटिन, हाँ फ्लेमिंग ने क्रोमो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये वो वाले अलेक्जेंडर नहीं जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये दूसरे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रोमोटिन की खोज की, ये गुणसूत्र केंद्रक में ही पाया जाता है, क्रोमोटिन पढ़ाएंगे कैसे, क्रोमोटिन के द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है, है ना, जो प्रोसेस गुणसूत्र बनने की है उसी को क्रोमोटिन, उसमें अंग आता है बताएंगे तुमको।
अब फिर गुणसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र कितने किस्म में होते हैं इसका वीडियो डालेंगे, आप लोग देखिएगा। गुणसूत्र की खोज जो की थी वो की थी वाल्डेयर ने 1888 में। वाल्डेयर ने ठीक है। और एक होता है परिहारित लवकों में परिहारित, इसकी खोज की थी किसने, किस सिम्पचर ने, सिम्पचर ने खोज की थी। किस समय में की थी खोज, 1883 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वीजमैन नहीं, जिन्होंने डार्विन के सिद्धांतों का खंडन किया था, इन्होंने वीजमैन ने अठारह सौ बानवे में बताया किसके बारे में बताया, सेमोटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बारे में बताया। सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बारे में बताया, क्या होता है ये विशेष क्रम बताएंगे, भी खोज देंगे। फिर उसके बाद आया 1855 में, 1955 आया, क्या आया 1955 आया, और आए कौन 1955 में, जी ई पायलट। इन्होंने किसकी खोज की, गुणसूत्र की। गुणसूत्र की खोज की किसने, वाल्डेयर ने की थी। इन्होंने खोज की थी किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम ये बहुत अच्छा अंक बहुत पूछा जाता है, राइबोसोम की खोज किसने की, जी.ई. पायलट ने की। अगला है डी डवे, अगला वैज्ञानिक कौन है, डी डवे लाइसोसोम की इन्होंने खोज की। लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम की खोज की। और कब की इन्होंने, 1958 को की। अगला है टी ओवेरी की खोज की तारक, टी वोवेरी ने खोज की, ये है वैज्ञानिक टी वोवेरी जो है उन्होंने खोज की तारक काय की खोज की। कब खोज की तारक काय की, 1963 ठीक है। और अगले हैं माइटोकांड्रिया, बहुत फेमस अंग है माइटोकांड्रिया, इसी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस। माइटोकांड्रिया की खोज की गई है, माइटोकांड्रिया की खोज की थी 1890 में। सबसे पहले 1890 में माइटोकांड्रिया की खोज जो की थी वो की थी रिचर्ड अल्टमैन ने। लेकिन इसका नामकरण जो किया था, उन्होंने नामकरण नहीं बताया था माइटोकांड्रिया का, उन्होंने अल्टमैन ने नाम जो चल रहा है माइटोकांड्रिया, ये उन्होंने नाम नहीं बताया था, इन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा था। इन्होंने इसे जो है इसी को क्या कहा था, बायोप्लास्ट। और फिर नामकरण इसका जो इन्होंने जैसे माइटोकांड्रिया को रिचर्ड अल्टमैन ने खोजा 1890 में, इन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा, लेकिन इसका जो नामकरण किया था सही जो चल रहा है माइटोकांड्रिया, ये किया था बेंडा ने। किसने किया था, बेंडा ने किया था। कब, 1897-98 में, 1890 में खोजी, फिर 7-8 साल बाद इन्होंने इसका नामकरण किया। तो ये तो कोशिका की कुछ खोजें थी, इसको बार बार देखो, बहुत पूछी जाती है परीक्षा में, और डाउट बिल्कुल ना करो, आराम से पढ़ो, धीरे से पढ़ो, प्यार से पढ़ो।
और इसको बार बार आप देखेंगे और ये अगर खोजे आपको याद है, हम कह रहे हैं पक्का कोशिका से अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आप जैसे मान ले पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और डीपली तैयारी कर रहे हैं तब भले ही कुछ अंदर का पूछे कोशिका का, अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं पुलिस आर्मी जो भी सीआरपीएफ वगैरह उसमें अगर आप बैठ रहे हैं तो सिर्फ यही पूछा जाएगा किस अंग की कब खोज हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।